भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में लगभग पावर प्ले की समाप्ति हो गई है, लेकिन भारतीय टीम ने एक बार फिर अपने चित परिचित अंदाज में शुरुआत की है। जी हां, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और टॉस जीतकर किया यहां पर पहले गेंदबाजी का फैसला और भारतीय टीम को निमंत्रण दिया कि आप आए और पहले बल्लेबाजी करें। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में भारत को शुरुआत दिलाने की कोशिश की, लेकिन पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को मिचेल स्टार्क ने पवेलियन भेजा। शुभमन गिल बड़ा पुल खेलना चाह रहे थे और उनके गेंद पर एडम जाम्पा ने लॉन्ग ऑन पर काफी शानदार कैच लपका। वहीं दूसरी तरफ इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली रुके नहीं, विकेट गिरने का प्रेशर नहीं आने दिया और दोनों ने मिलकर 70 से ज्यादा रन पावर प्ले के अंदर जोड़ डाले, जिसमें मिचेल स्टार्क 4 ओवर 29 रन 1 विकेट, जॉश हेजलवुड 3 ओवर 25 रन कोई सफलता नहीं, ग्लेन मैक्सवेल 2 ओवर 18 रन कोई सफलता नहीं, पैट कमिंस 1 ओवर 4 रन कोई सफलता नहीं। और भारतीय टीम ने दिखाया कि किस अंदाज से यहां पर बल्लेबाजी की जाती है और किस तरीके से भारत आगे बल्लेबाजी करेगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात होगी कि भारत यहां से और कितना स्कोर खड़ा करता है। विकेट थोड़ी स्लगिश नजर आ रही है, थोड़ी स्लो नजर आ रही है, अब स्लो विकेट पर भारत किस तरीके से बल्लेबाजी करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। रोहित शर्मा जो बेहद अर्धशतक के करीब है, उन्होंने भी अपने बल्लेबाजी से बता दिया है कि वो रुकने वाले नहीं है। इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है वो वाकई में काबिले तारीफ है और ग्लेन मैक्सवेल को भी यहां पर पीट कर रख दिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। भारत की दिल और धड़कन यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली ताबड़तोड़ अंदाज में कर रहे हैं बल्लेबाजी। अब ये देखना होगा कि किस अंदाज से दोनों यहां पर बैटिंग करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा की विकेट यहां पर जा चुकी है। 47 रन रोहित शर्मा ने बनाए 10वें ओवर में, दूसरा विकेट यहां पर भारत का गिरा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपना काम कर दिया। 31 गेंदों में 47 रन उन्होंने यहां पर बनाए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत यहां से इन झटकों से उभरता कैसे, लेकिन पावर प्ले के अंदर लगभग जितने रन चाहिए थे वो आ चुके हैं, लेकिन विकेटें भारत की गिर चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अब रोहित शर्मा के आउट होने के बाद किस तरीके से श्रेयस और विराट बल्लेबाजी करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।